सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 73,000 शिक्षकों की भर्ती की जो लेटेस्ट न्यूज़ जारी की गई, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ पेपर में न्यूज आई है 3 दिसंबर 2018 की, अमर उजाला की न्यूज़ पेपर की ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। अमर उजाला के जो 3 दिसंबर आज का ही लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, इसमें जो ये न्यूज़ जारी की गई इसमें आप देख सकते हैं 73,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 से भरे जाएंगे फॉर्म, यानी 6 दिसंबर से तो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और परीक्षा 6 जनवरी को होगी। और इसके साथ इसमें ये भी बता दिया गया कि जो दोस्तों इसका परिणाम भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा 22 जनवरी 2019 को। इसके साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया कि जो बेसिक शिक्षा परिषद की प्राइमरी स्कूलों में 73,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया गया है और भर्ती के लिए विज्ञापन 5 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो फार्म 6 दिसंबर से भरे जाएंगे और परीक्षा 6 जनवरी को होगी, सिर्फ 16 दिन के बाद ही इसका परिणाम भी यानी 22 जनवरी को घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया कि जो 68,500 शिक्षकों की पिछली जो भर्ती हुई उसमें गड़बड़ियों से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने अब की बार कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज़ में बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 68,500 को जो सहायक अध्यापकों की भर्ती में 500 पद और जोड़ते हुए रविवार को भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है। और अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि जो अभ्यर्थियों को 20 दिसंबर तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और परीक्षा आप देख सकते हैं 6 जनवरी को 18 मंडल मुख्यालय पर सुबह 11 से 1:30 तक रहेगी। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुविकल्पीय और ओएमआर सीट पर ये परीक्षा होने वाली है। और साथियों इसमें यह भी बता दिया गया कि जो परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय होगी, पहले से कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी और उत्तर पुस्तिका नई ओएमआर सीट पर होगी परीक्षा। और इसके साथ आप देख सकते हैं लिखा है कि जो मई में हुई 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सामान्य ओबीसी एससी और एसटी की कट ऑफ पहले से तय हो गई थी, परीक्षा लिखित हुई थी और कई परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने का मामला सामने आया था। इसको लेकर हुए विवाद को देखते हुए इस बार नया बदलाव किया गया है। जो पिछली बार परीक्षा में जौनपुर में 16 ऐसे अभ्यर्थी पास हुए थे जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी थी और 4-5 गुणनीय अंक लाने वाले ऐसे 53 अभ्यर्थी थे जिनको पास कर दिया गया था और 51 अभ्यर्थी ऐसे सामने आए जिन्हें उत्तर पुस्तिका में अधिक अंक मिले लेकिन परिणाम में उनको फेल कर दिया गया। और इसके साथ ही सरकार की अनियमितता की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी तो इलाहाबाद स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तक जला दी गई थी। तो दोस्तों इस बार जो ये भर्ती निकल रही है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और कड़े नियम इसमें लागू किए गए हैं और जल्द ही ये यानी कि 5 दिसंबर से इस विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा, 6 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और 20 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र भर सकेंगे और 22 जनवरी 2019 को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इस वैकेंसी से अलग मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो टेट परिणाम 4 या 5 को आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये दूसरी लेटेस्ट खबर भी आप देखिए कि जो 18 नवंबर को हुई टीईटी की 2018 का परिणाम 4 या 5 दिसंबर को आ जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो भी लेटेस्ट वैकेंसी निकली उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश की जाए। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको जो भी वैकेंसी निकली उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके।